हेलो डियर लर्नर्स, आज ये डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज वन का लेक्चर फोर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आई एम राइटिंग इन रिप्लाई टू योर लेटर दैट आई हैव रिसीव्ड टू डेज एगो। और मुझे लगता है कि आज का इस एक्सरसाइज का, इस लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन ही बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ये वर्ड एगो ना लिखा हो, टू डेज एगो ना लिखा हो, तो ये सही है सेंटेंस। I am writing in reply to your letter that I have received. सही है। When did I receive? इससे मतलब नहीं है, कब receive किया उससे हमें नहीं मतलब है, ठीक है। तो अगर ये in 2 days ago ना लिखा हो तो ये sentence सही है, लेकिन अभी क्या हमने 2 days ago लिख रखा है, और ये जो 2 days ago है ये है क्या, ये time है, past का time है, ago का मतलब backward from the present, तो ये time past हो गया। अच्छा, ये time किस section का है, इस section का time है, तो अगर ये टाइम पास्ट का है तो जिस एक्शन का ये टाइम है वो एक्शन भी पास्ट में लिखा जाएगा, पास्ट में लिखा जाएगा, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गलत है, तो लिखो रिसीव्ड। आई एम राइटिंग इन रिप्लाई टू योर लेटर दैट आई रिसीव्ड 2 days ago। तो इजी क्वेश्चन है, और एगो का ये यूज सबको पता भी होगा कि एगो के यूज साथ में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ता है, क्योंकि एगो का मतलब बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट होता है। तो जब हम प्रेजेंट से बैकवर्ड जाते हैं तो में भी हम पहुंचते हैं, वो टाइम पास्ट होता है, उस टाइम में हुए एक्शन को रेफर करने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ता है। ये सबको समझ में आ गया। फिलहाल में यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग और समझ लें, वो भी सबको क्लियर हो जाए। मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा बच्चों, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हेन द डोर्स वर क्लोज्ड, एक मिनट ऐसा लिख देते, व्हेन मोहन When Mohan met me in 2018, I had studied with his brother 5 years ago. I had studied with his brother 5 years ago. एक ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस करें। अब देखिए, यहां पर हमने लिखा when I met Mohan, When Mohan met me in 2018. तो ये जो when के साथ हमने क्लॉज लिखी है ना, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, टाइम क्लॉज है ना, when, while, before, after, ये सब कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, तो ये टाइम क्लॉज है। और ये टाइम क्लॉज कौन से टाइम का रेफर कर रही है, पास्ट को, लिखा ना met 2018, तो ये टाइम पास्ट का है। अब हम कह रहे हैं कि जब 2018 में मोहन मुझसे मिला, तो 2018 का मतलब आज से 5 साल पहले, क्योंकि 2023 चल रहा है, तो 2018 का मतलब 5 साल पहले। तो जब वो मोहन मुझसे मिला 5 साल पहले, तब क्या हुआ था, आई हैड स्टडीड विद हिज ब्रदर 5 years ago, तो मैं उसके भाई के साथ 5 साल पहले पढ़ चुका था। मतलब मोहन जब मिला उससे पहले उसका भाई मेरा क्लासमेट रह चुका था और हम साथ में पढ़ाई कर चुके थे। तो ये 5 साल पहले कब, 2018 से, तो 2018 पास्ट है, उसका भाई पढ़ा उससे भी पहले मुझसे, तो वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। अगर वो पास्ट ऑफ पास्ट हो गया तो उसके लिए हम टेंस लिखेंगे पास्ट परफेक्ट, तो ये ठीक लिखा हुआ है। फिर हमने ये जो 5 years ago लिखा, वो हम इसे कैसे जस्टिफाई करें, ago का मतलब होता है प्रेजेंट से बैकवर्ड, प्रेजेंट से बैकवर्ड जब आप जाते हो तो वो टाइम पास्ट होता है, और उस टाइम में हुए एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बैक जो गए हैं वो प्रेजेंट से नहीं गए, हम पास्ट से बैक गए। अगर हम पास्ट से बैक गए हैं तो हमें ago नहीं यहाँ पर हमें यूज करना चाहिए बिफोर, और बिफोर के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। ये छोटी सी बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये दो वर्ड्स हैं, एक है ago और एक है बिफोर। इन दोनों को जब हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम के तरीके से यूज करते हैं, अगो तो हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, बिफोर जो होता है कंजंक्शन प्रेपोजिशन भी होता है, लेकिन जब हम उसे एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करते हैं तो हमें ध्यान ही रखना है अगो का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट। बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। तो एगो के साथ में जो हम एक्शन लिखते हैं वो एक्शन पास्ट के टाइम का होता है,
प्रेजेंट से पहले का मतलब पास्ट का होता है, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन बिफोर के साथ जो हम लिखते हैं वो एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट का होता है, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। मतलब ये छोटी सी बात अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो इसको ध्यान रखना है कि एगो का यूज पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रखा था तो वो गलत था, हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। दूसरा ये ध्यान देना है कि अगर हमें पास्ट से पहले के टाइम को रेफर करना हो तो वहां एगो का यूज नहीं करना है, वहां हमें बिफोर का यूज करना है। नेक्स्ट पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई एम एग्री दैट आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर शुड बी प्रोटेक्टेड, और ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, कई बार लोग इसको आम बोलचाल में गलत बोल देते हैं इस तरीके से, आई एम एग्री, यू आर एग्री, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन क्यों गलत है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया है एम, और उसके साथ वर्ब लिखी है एग्री, एग्री वर्ब है, वर्ब ही होती भी है हमेशा। अगर ये एग्री वर्ब है तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एम किसकी फॉर्म होती है, इज एम आर वॉज वर्ब की। सबको पता है कि जो बी की फॉर्म्स होती हैं इज एम आर वॉज वर, अगर हम इनको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करें, अगर हम बी की फॉर्म्स को एज हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो इनके साथ जो मेन वर्ब लिखेंगे वो मेन वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में आएगी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस में, या थर्ड फॉर्म में आएगी पैसिव वॉइस बनाने के लिए, फिर वो किसी भी टेंस की हो। तो कहने का मतलब जो है बी की फॉर्म्स जो होती हैं अगर हम उनको हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज करें तो उनके साथ जो भी हम मेन वर्ब लिखेंगे वो या तो आईएनजी फॉर्म में होगी या थर्ड फॉर्म में होगी। वो डिपेंड करता है इस बात पे कि वर्ब एक्टिव आपको रखनी है पैसिव रखनी है। लेकिन यहां पर जो हमने एग्री लिखी ना, ध्यान से, फर्स्ट फॉर्म है, बी की फॉर्म्स के साथ अगर वो हेल्पिंग वर्ब हो तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। इसको ऐसे समझिए, मान लो मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ही इज टॉट इंग्लिश, ही इज टीच इंग्लिश। अब जब मैं ये सेंटेंस लिखूंगा तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस सेंटेंस को देखते ही ना बता देगा गलत, कोई भी देखेगा तो बता देगा कि भाई ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ आप कोई भी वर्ब लिखोगे तो वर्ब आप या तो आईएनजी फॉर्म में लिखोगे या फिर थर्ड फॉर्म में लिखोगे। तो हमें पता है जो हमने टीच लिखा है गलत है, हमें इसको क्या लिखना चाहिए, या तो टीचिंग लिखें, ठीक है, या हम टॉट लिखें। डिफरेंस क्या होगा, अगर हम लिखेंगे ही इज टीचिंग इंग्लिश तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा एक्टिव वॉइस का, अगर हम लिखेंगे ही इज टॉट इंग्लिश तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा पैसिव वॉइस का, लेकिन टॉट या टीचिंग ही सही होगा, इज टीच गलत है। तो जिस तरीके से इज के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते वैसे हम एम के साथ भी नहीं लिख सकते। तो जो हमने आई एम एग्री लिखा है ये बोलने में हमें कितना भी सही लग रहा हो लेकिन ये गलत है, ये अनग्रामेटिकल है। तो अब हम इसे कैसे सही करें, तो वही तरीका है कि अगर आप एम हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहते हो तो उसके साथ में वर्ब को या तो आईएनजी फॉर्म में लिखो या थर्ड फॉर्म में लिखो, या तो एग्रीइंग लिखो या एग्रीड लिखो। अब आप दोनों में से एक भी नहीं लिख सकते, एग्रीइंग इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि एग्री स्टेट वर्ब होती है तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, तो एग्रीइंग आप लिख नहीं सकते क्योंकि एग्री वर्ब जो है ये स्टेट वर्ब है तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। अच्छा, एग्रीड भी नहीं लिख सकते क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो ना तो आप ये लिख सकते हो आई एम एग्रीइंग, ना आप ये लिख सकते हो आई एम एग्रीड, तो अब कैसे सही करोगे। कहने का मतलब ये है कि आप वर्ब की फॉर्म को चेंज करके सही नहीं कर सकते, ना तो आप आईएनजी फॉर्म लिख पाओगे ना थर्ड फॉर्म लिख पाओगे, इंट्रांसिटिव वर्ब है पैसिव नहीं बनेगा, स्टेट वर्ब है कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, हटाओ एम, ये ऑप्शन है बस, एम मत लिखो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना लो, डायरेक्ट वर्ब लिख दो फर्स्ट फॉर्म में, आई एग्री दैट आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स शुड बी प्रोटेक्टेड। इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जाइए, हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा बी, ही वॉज नॉट एग्री विद हिज फैमिली। अब जैसे हमने लिखा ही वॉज नॉट एग्री विद हिज फैमिली, तो देखिए वॉज हेल्पिंग वर्ब है, बी की फॉर्म होती है और इसके बाद हमने वर्ब लिख दी फर्स्ट फॉर्म में, तो हमें पता है गलत हो गया। वॉज के साथ या तो आप आईएनजी फॉर्म लिखे या थर्ड फॉर्म लिखे, तो ये जो हमने वॉज नॉट एग्री लिखा है गलत है। अब हम इसे कैसे सही करें, आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी या थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, जो कि आप दोनों नहीं लिख सकते। इंट्रांसिटिव वर्ब है पैसिव नहीं बनेगा, स्टेट वर्ब है तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, तो आप ना तो लिख पाओगे ही वॉज नॉट एग्री
एग्रींग भी नहीं लिख पाओगे, एग्रीड भी नहीं लिख पाओगे। तो कहने का मतलब ये कि जो वर्ब हमने लिखी वो सही फॉर्म में लिखी हुई है, वर्ब को आप चेंज करके सही नहीं कर पाओगे सेंटेंस को। तो अब कैसे सही करें, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दो, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बना दो, इंडेफिनिट टेंस बनाओगे तो डिड आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो, ही डिड नॉट एग्री विद हिज फैमिली। तो ये एग्री वर्ब को लेकर इस तरीके के जो यूजेस हैं आपको ध्यान रखने, कॉमन मिस्टेक्स हैं, लोग अक्सर करते रहते हैं। आगे जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, द कंट्रीज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। एग्रीकल्चर कोई चीज़ नहीं जिसको हम काउंट कर लें कि एक एग्रीकल्चर, दो एग्रीकल्चर, तीन एग्रीकल्चर, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। सब्जेक्ट्स होते हैं, एक जैसे आप देखते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी होती है, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट भी होता है, एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री भी होती है, ठीक। तो ये एक सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट नेम्स होते हैं, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर हम जनरल सेंस में रेफर करें तो बिना आर्टिकल के लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर इन जनरल की बात कर रहे हैं, तो द आर्टिकल हटा दीजिए, ठीक। तो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ये जनरल वर्ड्स होते हैं, जब हम इनको जनरल सेंस में यूज करते हैं तो अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ में आर्टिकल ना लिखें। अगले पेज, दीज प्रोग्राम्स आर एम्ड टू वेरी वाइड ऑडियंस। हमने कहा ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये एम मतलब इनका मतलब एम जो है वो बहुत बड़ी ऑडियंस पे है, कि मतलब बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट करके ये बनाए गए हैं प्रोग्राम्स। यहाँ पर हम देखेंगे, हमने एक वर्ब यूज किया एम्ड, एम वर्ब जो होती है वो टारगेट की वर्ब होती है। अच्छा, आप में से हो सकता है ज़्यादातर लोग जानते हो, जो नहीं जानते हो आगे ध्यान रखेंगे कि टारगेट की प्रेपोजिशन एट होती है। जब हमें कभी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लिखना हो जो टारगेट है किसी चीज़ का, तो उसको हम एट प्रेपोजिशन के साथ में लिखते हैं। अब इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स जो एक तरीके से टारगेट को रेफर करती हैं, तो उनके साथ ऐड लिखा जाता है। देखिए, जैसे शाउट है, शूट है, एम है, चार्ज है, अगर चार्ज का मतलब अटैक करना हो तो, ठीक है, चार्ज का मतलब अटैक करना भी होता है ना, जैसे लाठी चार्ज है, इस तरीके से। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जैसे स्कॉफ है, स्कॉफ का मतलब किसी पे मजाक बनाना, उस पर हंसना होता है, लाफ करना होता है, ठीक है। तो इनके बाद जो हम ऑब्जेक्ट हैं, वो भी एक तरीके से टारगेट ही होता है, ठीक। स्कॉफ है, टेयर है, घूरना, गेज है, लुक है, एटसेट्रा। तो ये कुछ कॉमन ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद में लिखा गया जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक तरीके से टारगेट लाइक होता है, ठीक है, कि जिसको टारगेट किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है, चाहे नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से हिट किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है, ठीक है। तो इनके साथ में ना हमें एट प्रेपोजिशन का यूज करना चाहिए, टारगेट की प्रेपोजिशन एट होती है। तो ये जो हमने लिखा है ना एम्ड टू, ये गलत है, एम्ड की जगह लिखे एम्ड एट। दीज प्रोग्राम्स आर एम्ड एट वेरी वाइड ऑडियंस। एक छोटी सी सिचुएशन यहाँ पे और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, The man shot at the lion and killed it. हमने लिखा The man shot at the tiger lion but it escaped. अब देखो क्या है कि इस मैन ने शूट किया लायन को और मार डाला, ठीक है, इसने शूट किया, निशाना बना के मतलब गोली चलाई, लेकिन वो भाग गया। ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम किसी को शूट करते हैं तो वो शूट हो ही जाता है हर बार, कई बार मिस भी हो जाता है, शॉट मिस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने शूट किया है लायन को और लायन शूट हो भी गया, इसी वजह से वो मर गया। तो यहाँ पे जो इसने काम किया, इस काम का इफेक्ट इस लायन पर आ गया है, तो वर्ब का जो एक्शन का जो इफेक्ट था वो ट्रांजिट हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव हो गई। जिस पे ये इफेक्ट ट्रांसफर हुआ है वो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कोई प्रेपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है।
तो लिखो द मैन शॉट द लायन एंड किल्ड इट। लेकिन यहां पे इसने एक एक्शन किया, इसने एक काम किया, इसने शूट किया, लेकिन लायन तो शूट हुआ नहीं। तो अगर लायन शूट नहीं हुआ तो जो वर्ब का एक्शन का जो इफेक्ट था वो ट्रांसफर तो हुआ नहीं, तो वर्ब इंट्रांसिटिव रह गई। इंट्रांसिटिव रह गई तो अब हम इस लायन को ऑब्जेक्ट किसका बनाएं? भाई नाउन प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट ही होते हैं, तो ऑब्जेक्ट से बनाना ही पड़ेगा। वर्ब का नहीं बनेगा तो हम प्रेपोजिशन लिखेंगे। तो अगर हम किसी को शूट कर रहे हैं तो वो हमारा टारगेट है जिसको हम शूट करना चाह रहे हैं, टारगेट की प्रेपोजिशन एट होती है। तो लिख दो। तो शूट को लेकर नहीं, बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें लिखा हो ही शॉट टू मैन, तो ही शॉट टू मैन का मतलब उसने दो लोगों को गोली मार दी, लग गई। लेकिन अगर हम लिख दें ही शॉट एट टू मैन, तो इसका मतलब उसने उन पर गोली चलाई, लगी नहीं। तो ये शूट वर्ब के साथ में कई बार आपने देखा होगा एट लिखा होता है, कई बार देखा होगा नहीं लिखा होता है, तो आगे से ना इसका थोड़ा ध्यान रख लेंगे। अगला, ऑल द एयरक्राफ्ट्स हैव टू बी चेक्ड एंड रिफ्यूल्ड। ठीक, प्राइमर फेस आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में आपको कोई मिस्टेक नजर आएगी नहीं, लगेगा सब कुछ सही लिखा हुआ है। ठीक है कि भाई हमने एक सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर ऑल द एयरक्राफ्ट्स, क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक, उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लिखी है टू बी चेक्ड, ठीक है, एंड रिफ्यूल्ड ये वर्ब है, तो सब कुछ सही है। लेकिन ध्यान देना है, आप में से जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते ध्यान रखेंगे, एयरक्राफ्ट वर्ब की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है, मतलब एयरक्राफ्ट कुछ होता नहीं है, ये वर्ड होता ही एयरक्राफ्ट है, यही इसकी सिंगुलर फॉर्म है, यही इसकी प्लूरल फॉर्म है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एन एयरक्राफ्ट और फाइव एयरक्राफ्ट, तो आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट लिखा है ये प्लूरल है, क्योंकि इससे पहले हमने नंबर लिख रखा फाइव, ये जो एयरक्राफ्ट हमने लिखा है ये सिंगुलर है, एन लिखा है, तो इसकी सिंगुलर फॉर्म भी एयरक्राफ्ट है, प्लूरल फॉर्म भी एयरक्राफ्ट है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि देयर आर सर्टेन नाउन्स विच हैव अ कॉमन फॉर्म। यूजली क्या होता है कि कोई नाउन जब हम सिंगुलर नंबर में प्लूरल नंबर में यूज करते हैं तो उसकी फॉर्म डिफरेंट होती है, जैसे बेंच सिंगुलर है, बेंचेस प्लूरल है, ठीक है, ट्री सिंगुलर है, ट्रीज प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, मैन सिंगुलर है, मैन प्लूरल है, ठीक, की सिंगुलर है, कीज प्लूरल है। तो यूजली जैसे हम देखते हैं तो नाउन की जो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं बच्चे जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होती है, मतलब उनमें नंबर दोनों होते हैं। एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं कि सिंगुलर ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट को अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है, इसमें दोनों नंबर है, सिंगुलर नंबर भी है प्लूरल नंबर भी है, लेकिन फॉर्म सेम है, बस ये बात ध्यान रखनी है। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनमें प्लूरल नंबर नहीं होता, जैसे इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल, ठीक है, उसमें नंबर सिंगुलर ही रहेगा हमेशा, फॉर्म भी वही रहेगी। लेकिन एयरक्राफ्ट क्या, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, मतलब सिंगुलर प्लूरल नंबर दोनों होते हैं, फॉर्म दो नहीं होते, फॉर्म एक ही होती है। तो जैसे एयरक्राफ्ट है, ऐसे कुछ और भी वर्ड है, देखिए एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, आजकल वर्ल्ड कप के मैचेस आ रहे हैं आप लोग देखते होंगे, तो उसमें एक वर्ड यूज होता है इनिंग्स, क्रिकेट में यूज होता है ना इनिंग्स, इनिंग्स की भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम है, ठीक है, फिश, शीप, डियर, डी डबल ई आर वाला, डी ई आर वाला नहीं, डियर, डेटा, वैकेशन, ऑफस्प्रिंग, इशू, सीरीज, स्पीसीज, ठीक है, पैरेक्स, क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स, वेयर अबाउट्स, हेडक्वार्टर्स, एटसेट्रा। तो हमें यहाँ पर ध्यान ही रखना है कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं
जिनमें सिंगुलर और प्लुरल नंबर दोनों होते हैं बट फॉर्म दो नहीं होते, फॉर्म एक ही होती है जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, यही है इनकी फॉर्म। इन्हें यूज करना है तो ऐसे यूज करना है जैसे लिखी हुई है। इसमें जैसे एक वर्ड आप देख रहे होंगे डेटा लिखा हुआ है, तो आप कुछ बुक्स में पढ़ते होंगे डेटा की सिंगुलर फॉर्म डेटम होती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर बताता हुआ चलूं कि डेटम जो वर्ड है वो जनरल इंग्लिश में ऑब्सोलीट वर्ड की कैटेगरी में चला गया। ऑब्सोलीट का मतलब हो गया आउट ऑफ यूज, जो अब ज्यादा यूज नहीं होते, मतलब अब आउट ऑफ यूज हो गए, तो डेटम ऑब्सोलीट वर्ड है। अब हमारे पास डेटा ही वर्ड है, यही सिंगुलर है यही प्लुरल है, ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है। क्रॉस रोड्स का मतलब चौराहा होता है, मतलब मीनिंग तो आप अपने आप देख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये इशू वर्ड है, इसका मीनिंग मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, इस पर ध्यान रखना। कि जो इशू वर्ड होता है, इशू का मतलब एक तो टॉपिक होता है, तो हम इसको इशूज प्लुरल फॉर्म में लिख लेते हैं, मैनी इशूज वर डिस्कस्ड। इशू का मतलब प्रिंट भी होता है, मैनी इशूज ऑफ दिस मैगजीन। इशू का मतलब ऑफस्प्रिंग भी होता है, तो जब इशू का मतलब ऑफस्प्रिंग होता है तो इसकी फॉर्म नहीं चेंज होती है, इशू ही रहता है, बस ये ध्यान रखें, ठीक। बाकी एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर प्लुरल फॉर्म सेम रहती है। आगे आइए, एवरी अलाइव क्रिएचर इन द सी इज अफेक्टेड बाई पॉल्यूशन। हमने कहा कि सी में जितने भी जीवित हैं, प्राणी हैं, वो सब पॉल्यूशन से प्रभावित होते हैं, मतलब पॉल्यूशन से सबको फर्क पड़ता है। यहाँ पर हम देखें अगर इस सेंटेंस में, तो हमने एक नाउन यूज किया है क्रिएचर, इसके साथ हमने एक एडजेक्टिव यूज किया है अलाइव, और इसके साथ में हमने एक डिटर्मिनर यूज किया है एवरी। आप में से ज़्यादातर बच्चे बात जानते होंगे कि जब हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं, अगर हम उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं तो वो प्रेडिकेटिव यूज होता है, अगर हम उसको नाउन फ्रेज में यूज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ नाउन फ्रेज तो वो उसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है। ये चीज़ें आपको क्या नाम फंडामेंटल्स के जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ा रखा है, आप देखेंगे एडजेक्टिव्स में तो सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो अलाइव जो हमारा एडजेक्टिव है ये केवल और केवल प्रेडिकेटिवली यूज होता है, ये एट्रीब्यूटिवली नहीं यूज होता, लेकिन यहाँ आप देखिए हमने इसको एट्रीब्यूटिवली यूज कर रखा है तो ये गलत है। अब हम इसको कैसे सही करें, या तो हम इसी एडजेक्टिव को यूज करें प्रेडिकेटिवली, या फिर हम कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज कर दें जो ये मीनिंग कन्वे कर पाए और एट्रीब्यूटिवली यूज होता हो, तो यहाँ पे लिविंग यूज कीजिए, यहाँ पे लिखिए लिविंग, All living creatures in the sea, living sorry, हाँ, every living creature in the sea is affected by pollution. तो हमने living लिख दिया। अब हमने alive को attributively क्यों नहीं use किया, living क्यों use किया? एक तो ये चीज कि भाई हमने living क्यों लिखा, हम alive को ही attributively predicatively use कर लेते, वो क्यों नहीं use किया वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जैसे alive है, इसी तरीके से कुछ और भी adjectives हैं जो English में केवल प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिवली उनको नहीं यूज किया जाता। उनमें से जो ज्यादातर एडजेक्टिव्स हैं उनमें ए प्रीफिक्स लिखा होता है पहले से, और ये जो ए प्रीफिक्स होता है ना ये ओल्ड टाइम की प्रेपोजिशन ऑन है, पहले ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हुआ करती थी, ठीक है। ए जो है वो लैटिन में और ग्रीक लैंग्वेज में एक प्रेपोजिशन है, इंग्लिश में आर्टिकल है, ग्रीक में ये प्रेपोजिशन होती थी ए, ठीक है, अबैक है, अलर्ट है, उसमें जो ए है ये प्रेपोजिशन है, जो इंग्लिश में क्या हुई वर्ड का पार्ट बन गई। तो जैसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं ना ऑन फायर, तो ऑन फायर जो है वो ऑन प्रेपोजिशन है, फायर उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन ओवर द टाइम इंग्लिश में आप देखेंगे एक नया वर्ड है जो यूज होता है, हालांकि कम यूज होता है, लेकिन एक वर्ड है अफायर, तो अफायर जो है वो एक्चुअल में ऑन फायर ही है। तो ज्यादातर ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश में प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं वो ओल्ड टाइम की प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो सिंगल वर्ड में कन्वर्ट हो गए और उनको केवल प्रेडिकेटिवली ही यूज किया जाता है। तो ये वर्ड्स में कुछ ऐसे आपको बता देता हूं, आप लोग इनका ध्यान रखेंगे। देखो अलाइव, अलाइक, अलोन, अलूफ, अलर्ट, अवेक, अवेयर, अनअवेयर, एडिक्टेड, अकस्टम्ड, अफ्लोट, अशोर,
अग्लो, अब्रेस्ट, अफायर, अफ्रेड, अब्लेज, अशोर हो गया, अफायर भी हो गया, अग्लो हो गया, ठीक है। उसके बाद में कुछ वर्ड्स हैं जैसे फॉन्ड, उनमें ए नहीं होता लेकिन वो भी फॉन्ड, इल, वेल, वैसे तो इल और वेल एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें एज एन एडजेक्टिव यूज करें, एडजेक्टिव ऑफ हेल्थ होते हैं, तो इनको भी प्रेडिकेटिवली ही यूज किया करो। एक वर्ड इसमें लिखना है स्लीप, तो ये कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हमें प्रेडिकेटिवली यूज करना चाहिए। अलाइव, अलाइक, अलोन, अलूफ, अलर्ट, अवेक, अवेयर, अनअवेयर, एडिक्टेड, अकस्टम्ड, अफ्लोट, अशोर, अग्लो, अब्रेस्ट, अफायर, अफ्रेड, अप्लेस, फॉन्ड, इल, वेल, अस्लीप, एटसेट्रा। तो ये हमें प्रेडिकेटिवली ही यूज करने हैं, एट्रिब्यूटिवली इनका यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। इनमें से एक वर्ड है अलर्ट। अलर्ट वर्ड आपने देखा होगा कई बार एट्रिब्यूटिवली ही यूज होता है, तो यहां पे मैं आपको ध्यान दिला दूं, अगर अलर्ट का मतलब अवेयर है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज किया जा रहा है, तो फिर ये केवल प्रेडिकेटिवली ही यूज होगा। अलर्ट का मतलब इंटेलिजेंट है तो हम उसको प्रेडिकेटिवली एट्रिब्यूटिवली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका मतलब अवेयर है, जानकारी होना देश दुनिया की, एन अलर्ट माइंड, तो ये गलत है, अ माइंड दैट इज अलर्ट। तो अगर अलर्ट का मतलब अवेयर होना है तो फिर ये केवल एक्टिविटी ही यूज होगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड और है कहीं पे, फॉन्ड, ये रहा। ये जो फॉन्ड वर्ड है इसको हमें ध्यान रखना है कि अगर हम फॉन्ड वर्ड का यूज थिंग्स के लिए करें, ठीक है, तो इसको हम एट्रिब्यूटिवली ही यूज करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अ फॉन्ड मेमोरी, तो फॉन्ड का मतलब समथिंग विच इज इंजॉयबल, फॉन्ड का मतलब कुछ ऐसा जो कि बहुत प्यारा है किसी को, अ फॉन्ड मूवी, ऐसे। तो फॉन्ड का यूज जब हम थिंग्स के लिए करते हैं तब तो हम इसको एट्रिब्यूटिवली भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम फॉन्ड का यूज पर्सन के लिए करते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो केवल और केवल प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं। तो इन दो वर्ड्स को लेकर ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी वर्ड्स आसान है, आपको इनके मीनिंग पता होगा, नहीं तो आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनको हमें प्रेडिकेटिवली ही यूज करना है, एट्रिब्यूटिवली नहीं यूज करना है। अब आते हैं उस बात पे कि हमने वहां पे अलाइव की जगह पे लिविंग क्यों लिखा, हमने अलाइव को प्रेडिकेटिवली क्यों नहीं यूज कर लिया, तो उसका मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है। देखिए, जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं अगर हम उनको देखें तो उनकी दो बड़ी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग वो हैं जिनमें लाइफ है, ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो ये लिविंग है, इवन ट्रीज भी लिविंग है, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग का मतलब जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये फर्नीचर है, घर है, मकान है, दुकान है, ये नॉन लिविंग है। अभी जो लिविंग चीजें होती हैं इनमें भी दो कैटेगरी होती हैं, हमें पता है कि लाइफ किसी में हमेशा तो रहती नहीं है, लाइफ एक ड्यूरेशन तक होती है, फिर उसके बाद में एक्सपायर कर जाती है लाइफ, फिर बाद में डेड हो जाता है। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं इनकी भी अपनी दो कैटेगरी होती हैं, एक जब तक उनमें लाइफ है तब तक वो अलाइव हैं, फिर जब उनमें लाइफ नहीं बची तो फिर वो डेड हैं। तो आपको ये समझना है यहां पर कि अगर हमें कभी भी अलाइव को कंट्रास्ट में शो करना है तो हम इसको कंट्रास्ट में शो करेंगे डेड के साथ, अगर हमें लिविंग को कभी भी कंट्रास्ट में शो करना है तो इसका हम कंट्रास्ट शो करेंगे नॉन लिविंग के साथ। ये बड़ी काम की चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, इन वर्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बच्चों को पता नहीं होता और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम लिविंग लिखेंगे या लाइव लिखें, उनको लगता है एक सा ही है, एक सा नहीं है। लिविंग का मतलब है जिसके अंदर लाइफ है, अंदर जीवन होता है, और अलाइव का मतलब जो अभी डेड नहीं हुआ है, जो अभी भी जिंदा है। अलाइव का मतलब विच इज नॉट डेड, डेड का मतलब विच इज नॉट अलाइव, ठीक। अब जैसे ये जो बोर्ड है जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे इसे कहना तो मैं इसे क्या कहूं कि ये डेड है या नॉन लिविंग है, तो हम इसे डेड नहीं कहेंगे,
हम इसे कहेंगे नॉन लिविंग। डेड का मतलब है कि ये पहले कभी अलाइव रहा होगा, इसमें लाइफ रही होगी, इसमें कभी नहीं थी, ठीक है। तो डेड का कॉन्ट्रास्ट अलाइव होता है, लिविंग का कॉन्ट्रास्ट नॉन लिविंग होता है। अब उस क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने अलाइव को प्रेडिकेटिवली ना यूज करके लिविंग को क्यों यूज करा। एवरी लिविंग क्रिएचर इन द सी इज अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। अब जैसे सी है तो सी के अंदर मछलियां होती हैं, सी लाइफ होती है, लेकिन उसके अलावा भी पत्थर वगैरह भी होते हैं वहां पर, बाकी चीजें भी हैं, ऐसी चीजें भी हैं जो नॉन लिविंग है। तो जो नॉन लिविंग है उन पर तो पॉल्यूशन का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लिविंग है उन पर पॉल्यूशन का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे कंट्रास्ट हो किया जा रहा है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, इसीलिए हमने वहां पे लिविंग लिखा। अगर हमें अलाइव ही यूज करना होता तो फिर हम प्रेडिकेटिवली यूज कर लेते, बात ध्यान रखनी। पीपल एनवी हर बिकॉज़ शी इज गुड एट ऑल। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है गुड एट ऑल, खूब पढ़े, खूब बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय।